नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ब्लैक डायमंड मेकअप स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रोफेशनल मेकअप कोर्स डेट 10 है, जिसमें मैंने आपको स्मोकी आई के साथ मेकअप बताया है। और दोस्तों, ये अफोर्डेबल मेकअप है, जो कि आप बहुत ही कम बजट के मेकअप प्रोडक्ट लेके मेकअप कर सकते हैं। और इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है आप किस तरह से पार्टी मेकअप लुक कर सकते हैं। तो आइए देखिए वीडियो में किस तरह हमें करना है। तो इनका ये है बिफोर मेकअप लुक। और सबसे पहले हम करेंगे सीडीएम। सीडीएम के लिए मैंने गार्नियर का माइसेलर वाटर लिया है, और इस तरह से अच्छे से हम स्पंज से पूरे फेस को क्लीन करेंगे। जो भी डस्ट है उसे हम रिमूव करेंगे, ताकि अच्छे से हमारा मेकअप वर्क कर सके। जब भी हमें मेकअप करना है तो हमें सीडीएम ज़रूर करना है। तो क्लिनजिंग हो गई। अब उस दूसरे नंबर पे ये लिया है गुड वाइब्स का टोनर। और जब भी हम कुछ लिक्विड टाइप का चीज़ लेते हैं तो हमें शेक कर लेना चाहिए, और इसको थोड़ी सी दूर से स्प्रे करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये है पॉन्ड्स का लाइट जेल मॉइस्चराइज़र क्रीम। दोस्तों, मैंने ये लाइट जेल मॉइस्चराइज़र इसलिए लिया है क्योंकि गर्मियों का समय है, और अगर हम क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस हो जाएगा। इसलिए मैंने ये लाइट जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाया है, ताकि फेस हाइड्रेटिंग हो जाए और क्रीमी क्रीमी ना रहे। अभी सीडीएम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये है NYB का ड्यूई प्राइमर, जो कि हमारे मेकअप को बहुत ही शाइन और ग्लो देगा। और मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, आप देख सकते हैं कितनी थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने लिया है। और इस तरह से ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं, अगर ब्रश नहीं है तो आप फिर हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी लगा के हमें 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, जब भी हम कुछ भी प्रोडक्ट लगाते हैं हमें 1 से 2 मिनट का गैप देना ही देना है। और इसके बाद है ये मास्टर स्ट्रोप क्रीम। ये मेबलिन का मास्टर स्ट्रोप क्रीम है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोप क्रीम होता है, जो मेकअप में हमारे बहुत ही अच्छा शाइन लाता है। और इस तरह से इसे पैलेट पर निकाल करके पूरे फेस पे इसे भी अप्लाई करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। दोस्तों, स्ट्रोप क्रीम को अलग से अप्लाई ना करके आप चाहे तो अपने फाउंडेशन में या क्रीम में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो अभी हमारा सीडीएम हो गया, प्राइमर हो गया और क्रीम हो गया। अब है कंसीलिंग की बारी। ये इनसाइड का कंसीलर पैलेट है, ये छोटा सा कंसीलर है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। तो इसमें से मैं ये डार्क कलर लूँगी। कलर करेक्शन के लिए कोई ऑरेंज कलर नहीं ले रहे हैं। डार्क कलर इस तरह से मिक्सिंग प्लेट में निकाल करके हल्का सा ब्लेंड करेंगे, और अंडर आई पे और पूरे फेस पे अप्लाई करते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। तो इसमें मैंने देखिए ऑरेंज कलर यूज़ नहीं किया है, चाहे लाइट ऑरेंज कलर या येलो कलर या डार्क ऑरेंज कलर। अगर कलर करेक्शन करना है तो हम डार्क कलर से भी कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अभी जो लाइट कलर का कंसीलर लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फाउंडेशन लगा देंगे। तो अभी मैं जैसे कि पूरे फेस पे कंसीलर अप्लाई कर दूंगी, फिर उसके बाद डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दूंगी। दोस्तों, कंसीलर हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि फेस को इवन टोन, यानी एक बराबर स्किन जहाँ अनइवन है, डार्क सर्कल है या डार्क स्पॉट है, उसे हाइड करने के लिए लगाते हैं, ताकि फेस का जो रंग है वो एक टोन का हो जाए। और उसके ऊपर हम फाउंडेशन लगाएं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, जैसे ग्रे ना हो जाए और बहुत ज़्यादा वाइट ना लगे। तो इसलिए कंसीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए कंसीलिंग हो गई है। उसके बाद मैंने ये फिटमी का फाउंडेशन लिया है, और ये 128 नंबर है, जो कि एक रनी फाउंडेशन है। तो इसे भी हम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे, एक साइड अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे फेस पे डॉट डॉट बना के छोड़ दें और उसके बाद ब्लेंड करें। जब भी हमें फाउंडेशन ब्लेंड करना है, एक तरफ से ब्लेंड करते हुए अप्लाई करते हुए ब्लेंड करते जाना है, उसे छोड़ना नहीं है। तो एक तरफ करने के बाद दूसरी तरफ करेंगे। दोस्तों, ये फाउंडेशन जो फिटमी का 128 नंबर है, ये नेचुरल स्किन टोन वालों पे बहुत ही अच्छा जाएगा, और ये वार्म अंडरटोन के लिए तो काफ़ी ही अच्छा है। तो इस तरह से आप चाहे फिटमी का फाउंडेशन या स्विस ब्यूटी का भी फाउंडेशन,
कोई भी फाउंडेशन लेके इसी टेक्निक के साथ मेकअप कर सकते हैं और ये मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि कम बजट का है तो मेकअप टिकेगा नहीं, शाइन नहीं करेगा। अभी आपने स्टार्टिंग में तो देखा ही होगा ना किस तरह से मेकअप का रिज़ल्ट है, तो इस काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट रहता है। तो अभी एक तरफ हो गया है, दूसरी तरफ भी अप्लाई कर देंगे। अभी पूरे फेस पे हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है। अब उसी कंसीलर पैलेट से जो ये लाइट कलर है, लाइट कलर मैं लूँगी हाईलाइट एरिया के लिए और डार्क कलर लेंगे कॉन्टूर के लिए। तो लाइट कलर अंडर आई के नीचे इस तरह लगाएंगे डॉट डॉट करते हुए। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, और ब्रश नहीं है अभी आप स्टार्टिंग में मेकअप सीख रहे हैं, बिगनर हैं, तो हाथ से भी हम मेकअप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। हमें बस पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट हमें कहाँ प्लेस करना है। तो जब हम हाईलाइट कंसीलर लेते हैं जो कि स्किन का दो टोन डार्क होता लाइट होता है, हमें जब भी हाईलाइटिंग के लिए शेड चाहिए वो दो टोन हमें लाइट यूज़ करना होगा। तो इस तरीके से पहले हम जो लाइट कलर लगाया है उसे ब्लेंड करेंगे अंडर आई के नीचे, फोरहेड पे, नोज़ पे, चिन पे, फिर उसके बाद हम डार्क कलर लगा के डार्क कलर से कॉन्टूर करेंगे। तो देखिए अभी ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। और अब इस तरह से फोरहेड पे, इनके फेस पे बहुत ज़्यादा कॉन्टूर की नीड नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि किस तरह से हमें एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट से किस तरह से हम सारे मेकअप के स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। तो कॉन्टूर के लिए इस तरह से हमें बहुत ही हल्का हल्का ब्रश से शेप बनाते जाना है और उसे ब्लेंड कर देना है, जो कि जिससे हमारा जॉ लाइन शार्प दिखता है, नोज़ शार्प दिखते हैं। कॉन्टूर का काम होता है जो चेहरे का भाग है, उभरा हुआ भाग उसे दबाता है, और हाईलाइट का काम होता है दबे हुए भाग को उभारना। तो मैंने थ्योरी वाले क्लास में ये सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आपने थ्योरी नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देखिएगा, जो कि आपको थ्योरी समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप थ्योरी समझ जाएंगे तो आगे मेकअप करने में भी बहुत इजी होगा। तो इस तरह से देखिए लगा करके हमें छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, जिससे हमने फाउंडेशन ब्लेंड किया था उससे नहीं करेंगे। एक छोटा दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे क्योंकि इस पर डार्क कलर का कंसीलर है, डार्क ब्लेंड करना है, तो हमें दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसे अच्छे से जहाँ पे लगाया है वहीं पे उसको ब्लेंड करना है, पूरे फेस पे उसको अप्लाई नहीं करना है। अभी हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है। और लिक्विड ब्लशर के लिए मैंने ये स्विस ब्यूटी का ऑल अबाउट लिपस्टिक पैलेट लिया है, तो इस लिपस्टिक पैलेट से ही हम ब्लशर अप्लाई करेंगे, जिसमें से ये थोड़ा सा ब्राउन पिंक कलर लिया हुआ है, क्योंकि इनका जो मेकअप है वो थोड़ा स्मोकी आई के साथ करेंगे, ब्लैक साड़ी और ब्राउन इफ़ेक्ट देते हुए, तो इस पर पिंक ब्लशर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा या कोरल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा ब्राउन पिंक जो है वो कलर लिया है। और आपके पास अगर कोई दूसरा लिक्विड ब्लशर नहीं है तो आप इस तरह से लिपस्टिक से भी ब्लशर लगा सकते हैं। ब्लशर को भी हमें पूरे फेस पे नहीं अप्लाई कर देना है, जो हमारा हाइलाइटिंग के नीचे का पार्ट होता है, जो चिक का पार्ट होता है, उस पे अप्लाई करते हैं, और हमेशा ब्लशर को पीछे से आगे की ओर अप्लाई करते हुए आते हैं। कभी भी ब्लशर लेके डायरेक्ट आगे अप्लाई नहीं कर देते हैं, कि अगर थोड़ा ज़्यादा है तो वहीं लग जाए, अगर थोड़ा ज़्यादा बहुत रहता है तो पीछे से आप अप्लाई करेंगे तो उसे हम बाद में कम भी कर सकते हैं। तो पीछे से अप्लाई करते हुए हमें आगे की ओर आना है। इस तरह से ब्लशर लगाने पे बहुत ही अच्छे से ब्लशर नेचुरल लुक के साथ लग जाता है। अभी बेस कंप्लीट हो चुका है, ब्लशर हो गया, फाउंडेशन हो गया, अब हम इसे पाउडर से सेट करेंगे। तो ये स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर है, नेचुरल 0 नंबर है, जो कि इनके ही स्किन टोन का है, तो इससे भी हम बहुत अच्छे से अपना मेकअप को सेट कर सकते हैं। तो पाउडर को लेना है, थोड़ा सा पाउडर पफ पे अपने बैक ऑफ हैंड पे ब्लेंड करना है, और सबसे पहले हमें अंडर आई के नीचे इस तरह से प्लेस करना है, फिर जो लाफ लाइन है यहाँ पे करना है, उसके बाद पूरे फेस पे धीरे धीरे डैप करते हुए हमें पाउडर से बेकिंग कर देना है, अच्छे से हमें अपने मेकअप को सेट कर देना है।
मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर लिया है जो शेड के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप चाहें तो ट्रांसलूसेंट पाउडर से भी कर सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। अभी हमारा बेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब हम आई मेकअप करेंगे, जो कि जिसके लिए मैंने ये जेल लिया हुआ है, जेल लाइनर है, और स्मोकी आई करने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। हमें नीचे जो बेस बनाना होता है वो जेल से करना होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा हम ब्लेंडिंग ब्रश से आई लीड के नीचे पार्ट तक ही रखेंगे, पूरे आईज़ पे हमें इसे नहीं फैला देना है, बस हमें इसे ब्लेंड करते हुए ऊपर की ओर आना है और इसे ब्लेंड करते जाना है। हमें ये स्मोकी आई करते वक्त ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्लैक कलर है वो क्रीज लाइन से ऊपर ना जाए, क्रीज लाइन के नीचे तक ही हमें इसे ब्लेंड करना है। इसे ब्लेंड करते हुए ऊपर आएंगे, फिर उसे हम ब्राउन कलर से क्रीज लाइन पे ब्लेंड करेंगे। ये NY Bay का 2-in-1 ब्लेंडिंग और फ्लफी ब्रश है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक अच्छे ब्रश में जो आपके बजट में भी हो, तो ये ब्रश बहुत ही अच्छा है। आप इसमें आई मेकअप के लिए आप ब्लेंडिंग ब्रश भी है और फ्लफी ब्रश भी है, तो जो कि हर टाइप के आई मेकअप के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो अभी देखिए क्रीज लाइन पे ब्लैक कलर ब्लेंड करने के बाद ऊपर की ओर ये ब्राउन कलर से ब्लेंड कर रहे हैं, ताकि जो हार्श लाइन है वो बिल्कुल हट जाए। तो आई मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है ब्लेंडिंग का, कोई भी लाइन दिखनी नहीं चाहिए। आप देख सकते होंगे कि एक तरफ देखिए ब्लेंड हो गया है और दूसरी तरफ ब्लेंड नहीं हुआ है, एक लाइन बनी हुई है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। जब हम आई शेडो को ब्लेंड कर देते हैं वो काफ़ी अच्छा स्किन में मिक्स होके अच्छा दिखता है। तो इस तरह से देखिए हम ब्राउन कलर से ब्लेंड करते जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है दोनों आँखों में। इस तरह से करने के बाद अभी जो ऊपर का क्रीज लाइन से ऊपर की लाइन है, जो ब्रो बोन की लाइन होती है, वहाँ पे हम और एक लाइट कलर लेंगे, उससे ब्लेंड करेंगे, ताकि जो ऊपर की भी हार्स लाइन है वो भी अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाए और एक नेचुरल सा लुक लगे, कोई भी हार्शनेस ना रहे। तो स्मोकी आई का यही एक अच्छा तरीका होता है, और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ज़रूर इस तरह से आई मेकअप करनी आ जाएगा। अभी आई शेडो ब्लेंड करने के बाद ये ब्लैक काजल लिया है, रेवोल्यूशन का काजल है, और इसे वाटर लाइन पे लगाएंगे और कॉर्नर के साइड में थोड़े अच्छे से लगाएंगे, डार्क लगाएंगे, ताकि जब हम नीचे इसे ब्राउन कलर से स्मच करें तो ये काफ़ी अच्छा स्मोकी इफ़ेक्ट दे। स्मोकी का मतलब होता है ना डार्क से लाइट की ओर जाना, जैसे जब आप धुआं देखते हैं तो धुआं नीचे काला होता है और ऊपर आते आते वो हल्का हो जाता है, तो हमें वैसे ही अगर हम ब्लैक करें या कोई भी कलर कलर से ही स्मोकी आई करें तो उसी तरीके से हमें करना होता है। और ये वही जेल लाइनर को मैंने इस तरह से अपर लैश लाइन के इस लाइन पर लगाया है, ताकि ऊपर भी एक काजल की लाइन हो जाए, उससे भी काफ़ी अच्छा दिखता है और बड़ी बड़ी आंखें दिखती हैं। तो इस तरीके से हमें ब्रश के उल्टे साइड से इसे लगा देना है, और ये ब्राउन कलर लेके हम ये वाटर लाइन पे स्मच करते जाएंगे। ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करेंगे, सिर्फ ब्लैक कलर से नहीं लगाएंगे, ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करते हुए कॉर्नर में ब्लैक कलर से करेंगे और आगे ब्राउन कलर की ओर आते जाएंगे। जैसा कि आप दोस्तों वीडियो में देख सकते हैं कि मैं पार्लर में बता रही हूँ, आपके साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी बता रही हूँ कि किस तरह से हमें मेकअप करना चाहिए। अभी स्टार्टिंग में मेकअप बता रही हूँ, तो पहले अफोर्डेबल प्रोडक्ट से, क्योंकि कोई भी स्टार्टिंग में महंगा सामान नहीं खरीदेगा, हर कोई प्रैक्टिस करने के लिए पहले अपने बजट के अनुसार ही सामान खरीदेगा और उससे ही भी प्रैक्टिस करना चाहेगा। तो आप भी इस तरह से कम बजट के प्रोडक्ट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। काजल अप्लाई करने के बाद ये मस्कारा लगाएंगे, मैंने इस पर कोई आईलैशेस वगैरह नहीं लगाई है और ये नॉर्मल ही मस्कारा है। तो हमें मस्कारा लगाते वक्त ये ध्यान देना है कि बेस कंप्लीट हो चुका है, तो बिल्कुल नीचे टच ना हो और ऊपर ही लगाएं। उसके बाद मैंने ये लिप लाइनर लिया है और लिप को अच्छे से शेप देंगे, पहले ऊपर एम शेप देते हैं और नीचे सी शेप देते हैं, और कॉर्नर में वी शेप देते हुए पूरे लाइन को मिला देते हैं, तो एक अच्छा सा लिप शेप बन जाता है। और अब देखिए अभी लिपस्टिक नहीं अप्लाई हुई है और एक अभी शेप बना हुआ है, आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है,
इसमें अगर आप चाहें लाइनर ऐड कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो आई लाइनर नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्मोकी में ऑलरेडी ब्लैक कलर है तो उसमें लाइनर की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती। और आईब्रो डिफाइन करने के लिए मैंने ये स्विस ब्यूटी का ही आईब्रो डिफाइनर लिया है, जिसमें से ब्राउन और ग्रे कलर को मिक्स करते हुए इनकी आईब्रो को डिफ़ाइन किया है। आईब्रो की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लेंथ को हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। आगे से थोड़ा सा हल्का हल्का स्ट्रोक देते हुए पीछे की ओर आएंगे, और बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। कभी भी ब्लैक कलर का आईब्रो पेंसिल या आईब्रो जो आई शेडो होता है उससे नहीं करना चाहिए, ब्लैक कलर से डिफाइन नहीं करना चाहिए, हमेशा ग्रे या ब्राउन कलर से ही करना चाहिए। और अब लिपस्टिक के लिए मैंने वही स्विस ब्यूटी का ऑल अबाउट पैलेट लिया हुआ है, जिसमें से ब्राउन कलर की लिपस्टिक इन्हें लगाई है। लिपस्टिक के बाद अब है हाइलाइटर और ब्लशर की बारी। तो मैंने स्विस ब्यूटी का ही ब्लशर पैलेट लिया है, और इसमें से जो ये कोरल सेड है वो यूज़ करेंगे, और जहाँ पे लिक्विड ब्लशर लगाया था उसे हम पाउडर ब्लशर से सेट करेंगे। आप ये जो स्विस ब्यूटी का पैलेट है बहुत ही अच्छा पैलेट होता है, इसमें कॉन्टूर के भी दिया हुआ है, हाइलाइटर भी दिया हुआ है, और ब्रशर भी दिया हुआ है। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप इस पैलेट में कर सकते हैं। हाइलाइटर के लिए देखिए ये जो वाइट है, तो स्किन पे टच करने पे ये वाइट नहीं रहता, ये गोल्डन में हो जाता है। तो इस तरह से जो हाइलाइट एरिया है वहाँ पर हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे, नोज़ ऑफ टिप पे, नोज़ ऑफ ब्रिज पे, फोरहेड पे, चिन पे और चिक पे भी। तो इस तरह से हमारा बेस मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, साथ में ब्लशर, हाइलाइटर और आई मेकअप भी। तो उसके बाद हमें मेकअप को सेट करने के लिए मेकअप फिक्सर चाहिए। आपको थोड़ा क्लोज से मैं दिखा दूँ आई मेकअप। इस तरह से देखिए अभी जो ब्रो बोन है वहाँ पे हाईलाइट एरिया पे हमें लाइट कलर का आई शेडो अप्लाई करना है, या हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होके दिखती है। और उसके बाद ये है मेकअप फिक्सर, ये भी स्विस ब्यूटी का ही मेकअप फिक्सर है, जो कि मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमें बहुत पास से नहीं करना है, थोड़ी सी डिस्टेंस के साथ स्प्रे कर देना है। तो ये है दोस्तों हमारा फाइनल लुक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो मेकअप से लेके या पार्लर से लेकर, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दूँगी। तो बस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आप सभी अपना ख्याल रखिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।